भगवत शो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको मेरे तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि न्यूज़ मिल रहा है कि बहुत ही जल्द कोचिंग क्लासेस खुलने को है, तो बहुत जल्द हम सब क्लासरूम प्रोग्राम में मिलेंगे। लेकिन अभी सरकार के गाइडलाइंस का वेट करना है। जब तक सरकार गाइडलाइंस नहीं दे देता है, तब तक हम लोग जैसे अभी तक करते आए हैं, उसी तरह से अभी अपने आप अपने काम को आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम आईटीसी न्यूक्लिएशन का वीडियो लेक्चर डालने जा रहे हैं। कुछ जेन्युइन रीज़न है जिसके कारण से कुछ दिनों तक वीडियो लेक्चर नहीं आ पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब से अल्टरनेट में लगातार आपको वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनोफंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें अब तक आपको मैंने दो फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। किसका किसका? तो पहला साइक्लिक, सॉरी पहला ईथर और दूसरा साइक्लिक ईथर। तो आज हम लोग देखेंगे नए कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीसरा आईपीसी नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी होंगे जब 2102 पढ़ा रहे थे। तो फॉर्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ OH और दूसरी तरफ कार्बन या हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH दूसरी तरफ कार्बन या हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। या शॉर्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH और दूसरी तरफ कार्बन या हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री सफिक्स से बिलोंग करता था, आपको याद होगा। और 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते थे हम लोग? 2 डिग्री सफिक्स आपको याद होगा, 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड क्या लगाते थे? ओइक स्पेस देने के बाद ओइक एसिड, ओइक एसिड लगा देते। अच्छा, जब हम आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनोफंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, तो वहां पे अपने सुविधा के लिए सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग चार कैटेगरी में बांटे थे, फोर्थ कैटेगरी में। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो चार कैटेगरी बांटे थे उसमें मैंने आपको पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना और नंबरिंग करना, ये दो काम आपको मैंने सिखाया था। तो आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसाइड करना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस कैटेगरी से है, क्योंकि हर कैटेगरी में पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना और नंबरिंग करना ये अलग अलग था। आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता था, और सेकेंड कैटेगरी हम किया नाम दिए थे सेकेंड कैटेगरी को, सेकेंड कैटेगरी को नाम दिए थे कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बन कंटेनिंग है, इसके पास देखो कार्बन है एंड चेन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एफ जी, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ये आपका है जो कि सेकेंड कैटेगरी का है। सेकेंड कैटेगरी में हम लोग पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड कैटेगरी जो आपका है वो कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कार्बन की, सॉरी ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में जरूर से जरूर शामिल कीजिए और नंबरिंग की शुरुआत फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट कीजिए, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। चलो एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से हो, ये मान लो सवाल ठीक, ऐसा कुछ सवाल हो, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हम लोगों को? सबसे पहला काम तो आपको करना चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन में
आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर आप पहचान लिए तो आपके लिए पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना और नंबरिंग करना आसान हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले काम क्या करें, फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब तो नहीं, चलो यहां देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। देखते हैं किस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ OH और दूसरी तरफ देखो कार्बन का चेन या हाइड्रोजन, तो कार्बन का चेन है, इसका मतलब ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये तो समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल करना है। तो मेरे को लगता है अगर कार्बन को शामिल करना है, इस कार्बन को लेकर के आगे प्रोसीड करते हैं। अब किधर जाए, यहां पे आगे जाए, यहां तक आए, नीचे या ऊपर एलिप्स साइड, इधर जाएंगे एक कार्बन, ऊपर जाएंगे दो कार्बन, नीचे जाएंगे एक कार्बन। आपको याद होगा कि हम लोग कार्बन की संख्या और मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो अभी से हम किधर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा पैरेंट चेन। अब क्या करें, पैरेंट चेन चुनने के बाद नंबरिंग, नंबरिंग की शुरुआत कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। इसका मतलब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए मैंने आपको एक रामबाण दिया था, आपको याद होगा 21012। 21012 के आधार पे हम लोग इसका नाम लिखेंगे 21012। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टू डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, टू डिग्री प्रीफिक्स। इसमें टू डिग्री प्रीफिक्स आपका कौन सा है, जब आप पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिए तो ये चीजें और ये छूट जा रहा है, ये तो पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये और ये छूट जा रहा है। इसका नाम होता है मिथाइल, इसका नाम होता है इथाइल, मिथाइल इथाइल दैट इज अल्काइल, बिलोंग्स टू द टू डिग्री प्रीफिक्स। तो ये सब आपका टू डिग्री प्रीफिक्स है। तो पहले लिखा टू डिग्री प्रीफिक्स, ये आपका इथाइल है, ये आपका मिथाइल है। तो मैंने आपको एक और नियम पढ़ाया था कि अगर एक से ज्यादा टू डिग्री प्रीफिक्स हो तो हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले नाम इसका लिखेंगे इथाइल का, पोजीशन कितना है पांच, तो फाइव इथाइल, फाइव पर ही आपका क्या है मिथाइल, पोजीशन कितना पड़ेगा फाइव मिथाइल। और इसके बाद ये तो हो गया टू डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद लिखना है वन डिग्री प्रीफिक्स। तो याद करो ये आपका ओपेक चेन है, चेन कैसा है ओपेक चेन, और ओपेक चेन के लिए वन डिग्री प्रीफिक्स का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उसके लिए कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब वन डिग्री प्रीफिक्स तो हुआ नहीं। अब आते हैं जरा वर्ड रूट पे, वर्ड रूट कार्बन की संख्या को बोलते हैं, पैरेंट चेन के कार्बन की संख्या कितना है, एक दो तीन चार पांच छह, छह के लिए क्या लिखेंगे हम लोग हेक्सा, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। फिर वन डिग्री सफिक्स, तो वन डिग्री सफिक्स एक ट्रिपल और एक डबल, एक ट्रिपल और एक डबल, तो ट्रिपल और डबल रहे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग डबल का, उसके बाद ट्रिपल का। तो डबल के लिए क्या लिखेंगे ई, और ट्रिपल के लिए क्या लिखेंगे आइन। तो यहां से देखो इन आइन, तो इन का देखो हेक्सा अल्फाबेट में ये ए है, अल्फाबेटिक सॉरी हेक्सा के लास्ट में ए है, इन के पहले ई है, तो यहां से ए हटेगा, फिर यहां से वाई ई है, यहां से ई हटेगा, नियम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब ई का पोजीशन कितना है, तो पांच और छह पे बंद हो रहा है, मतलब इसका पांच नंबर होगा इसका पोजीशन, और इसका कितना होगा आइन का तीन और चार, मतलब तीन होगा ये, ठीक है, ये आपका हो गया वन डिग्री सफिक्स। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे टू डिग्री सफिक्स, अब आएंगे टू डिग्री सफिक्स, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टू डिग्री सफिक्स का क्या प्रावधान किया गया ओइक एसिड, क्या प्रावधान किया ओइक एसिड। अब इसमें अगर ओइक एसिड लगाएंगे तो यहां से ई हटेगा क्योंकि को है, तो ई हटेगा ओइक एसिड। अब कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर आप ओइक एसिड का पोजीशन नहीं लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन नहीं लिखे, वो हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का जब भी अगर आप आईपीसी निकलेशन करेंगे तो हमेशा नंबरिंग ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरुआत होगा, ऐसा आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानता है। तो ऑब्वियस है वैसे कार्बन को हमेशा एक ही नंबर मिलेगा, तो आप लिखे अथवा नहीं लिखे वो अंडरस्टूड है, वो आपको समझ में आ जाएगा उसको एक मिल रहा है, ठीक है, इसलिए आप नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं चलेगा, अगर आप लिखते तब भी कोई गलती नहीं होगा। इसका पूरा नाम हो गया फाइव इथाइल, फाइव इथाइल हेक्स फाइव ई थ्री आयोनिक एसिड, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। चलो फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारा सवाल
है इस प्रकार से, ये सिक्स मेंबर का एक साइकिल हो, ये मान लो इस तरह से मान लो कोई सवाल है। अब आईपीसी न्यूक्लियर करना है तो हम लोग कोई सिंपल कंपाउंड आईपीसी न्यूक्लियर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आईपीसी न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है। तो यहां तो फंक्शनल ग्रुप नहीं, इस साइड देखो है सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ देखो ओ एच, इधर कार्बन, इसका मतलब ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन को लेते हुए हमको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो कैसे चुने पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें, मेरे को लगता है ऐसे चलते हैं, यहां तक चलते हैं पहले, ये यहां तक पहुंचे, अब किधर चले ऊपर या इस तरफ, हम लोग इस तरफ नहीं जा सकते। देखो ओपन, मेरा ये कहना है कि जो पेरेंट चेन होता है या तो वो पूरी तरह से ओपन चेन होगा या तो वो पूरी तरह से क्लोज चेन होगा। अगर हम ऐसे जाते हैं कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर चलिए ना, इधर मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड, तो बच्चे जैसे अगर हम इधर जाएंगे इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगर ऐसे अगर हम चुन लेते हैं ऐसे, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन कहीं ना कहीं क्लोज चेन का कार्बन है, क्लोज चेन का कार्बन है, और आप जो पेरेंट चेन चुन रहे हो कैसा है आपका ओपन चेन, तो पूरी तरह से वो ओपन चेन ही रहना चाहिए, वो क्लोज नहीं होना चाहिए, क्लियर है। इसलिए हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये ओपन चेन हमको अगर चुनना है पेरेंट चेन के तौर पे ऐसे चले जाएंगे। अब क्या करें इसके बाद, अब हम लोग नंबरिंग करेंगे और कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में लोग नंबरिंग कहां से करते हैं, उसी कार्बन से। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये आपका पांच हो गया। अब 2102 के आधार पे हमको नाम लिखना है, 2102 के आधार पे सबसे पहले 2D प्रीफिक्स, तो चलो 2D प्रीफिक्स पहले लिखेंगे। अब 2D प्रीफिक्स कौन सा है, तो ये वाला, ये आपका छूट गया है, ये 2D प्रीफिक्स है। अब इसका नाम लिखना है आपने को, तो देखो अच्छे से मैंने आपको सिखाया भी है, जैसे अगर इसका नाम लिखना है तो अगर मान लो कि ये सबसे छोटे नहीं अगर कंपाउंड होता पलवर के लिए, इसका नाम क्या लिखते हैं साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट एक बॉन्ड से जुड़ा होता एक बॉन्ड से, तो साइक्लोहेक्सेन की जगह पर लिखते हैं साइक्लोहेक्साइन, लेकिन ये एक बॉन्ड नहीं दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपको पढ़ाए होंगे हम। अगर कोई जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डबल बॉन्ड से लिंकेज हो, दो बॉन्ड से लिंकेज हो, तो उसके लिए लगाते हैं आईडीन, इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइडीन, और ये टोटल कितने पे है चार पे, इसका नाम लिखेंगे हम लोग 4-cyclohexylidene, ये हो गया आपका 2D prefix, cyclohexylidene 2D prefix। ओपन चेन की 1D prefix का कोई प्रभाव नहीं है, वर्ड रूट पास कार्बन के वर्ड रूट क्या होता है पेंटा, चलो हम लोग लिख दिए पेंटा, उसके बाद ऊपर डी सफिक्स। तो पेरेंट चेन में जो भी कार्बन है सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड जीरो तो फिर क्या लगाएंगे एन, तो एन लगाएंगे तो ए हटाएंगे एन लगाएंगे ए एन ई लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद टू डी डी सफिक्स, उसके बाद हम तो लगाएंगे टू डी डी सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप का कैसा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में टू डी डी सफिक्स का प्रावधान किया गया ओइक एसिड, तो हम लोग यहां लगाएंगे ओइक एसिड, तो ओइक जब लगाएंगे तो यहां से ई हटेगा, यहां लगाएंगे ओइक एसिड, ओइक गैप देने के बाद एसिड, पूरा नाम 4-cyclohexylidene pentanoic acid ऐसे करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगर मान लो अगर सवाल कुछ इस प्रकार से हो C double bond O OH C double bond O OH ऐसा ये मालूम सवाल होगा, इसमें जानबूझ के हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लाए ये सवाल होकर मालूम है, ठीक है। अब
टू कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है कोई बात नहीं। जो काम मैंने आपको सिखाया है आपको वही करना है। मैंने क्या सिखाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पक्के से शामिल करना है आपको पेरेंट चेन। चलो वही काम करेंगे, हमको निमी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए इन दोनों के कार्बन को पेरेंट चेन में जरूर जरूर शामिल करना है। तो मेरे को लगता है अगर दोनों कार्बन को शामिल करना है तो पेरेंट चेन कुछ इस प्रकार से मिलेगा। आप देखो यही आपका पेरेंट चेन होगा, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। इसके बाद पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद अब आपने को करना है नंबरिंग। और नंबरिंग मैंने आपको पहले ही मेंशन किया इसके बारे में कि नंबरिंग हमेशा हम लोग ऐसे फंक्शन ग्रुप के कार्बन से ही शुरुआत करेंगे। चलो देखते हैं जरा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका ये कार्बन है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कार्बन, तो अगर चलो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार पांच, तो एक और पांच पे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लोकेट नंबर मिल रहा है, एक और पांच। और अगर इधर से भी करेंगे तो एक पर मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक दो तीन चार पांच, तो एक और पांच इधर से भी मिल रहा है। मतलब अगर आप नंबरिंग इधर से इधर करें चाहे इधर से इधर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के लोकेट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब वो अपना हाथ समझो खड़ा कर दे रहा है, क्योंकि ये कहना ये चाह रहा है कि आप इधर से करो चाहे इधर से करो, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमेशा एक और पांच मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाथ खड़ा कर दे रहा है, सीधा सिलेंडर कर दे रहा है। तो अब फैसला किस पर चला जाएगा, अब फैसला चला जाएगा मल्टीपल बॉन्ड पे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है नहीं तो फैसला किस पे चला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट पे, सब्स्टिट्यूएंट है। फिर अगर उससे फैसला नहीं होगा तो इससे चला जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ऐसा पढ़े हम लोग। चलो देखते हैं, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से करेंगे तो दो पर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करेंगे तो चार पर मिलेगा। इसका मतलब नंबरिंग यहां से होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 2102 के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 2102 के आधार पर। चलो देखते हैं जरा, तो इसका नाम सबसे पहले टूडीन प्रीफिक्स, ऑब्वियसली ये आपका है दो कार्बन का है और दो पे लगा हुआ है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं इथाइल, तो टू इथाइल। इसके बाद वन रूट, सॉरी वन डिग्री प्रीफिक्स होगा नहीं, वन रूट पांच के लिए पेंटा, ऐसा ही होता है। उसके बाद वन डिग्री सफिक्स, सब सिंगल बॉन्ड है एन, तो ए एन ही लगाएंगे तो ए यहां सटेगा एन। उसके बाद फिर क्या करेंगे लोग, उसके बाद टू डिग्री सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड दो है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाएंगे, डाई ओइक एसिड, तो लगाएंगे हम लोग डाई ओइक और एसिड गैप करके लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा गैप देने के बाद लिखेंगे डाई ओइक एसिड। अच्छा डाई ओइक एसिड क्या ई यहां से हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा, ई हटाएंगे नहीं। अच्छा डाई ओइक एसिड, एसिड का पोजिशन क्या है, वन और फाइव, तो वन कॉमा फाइव डैश डैश, तो ये इसका नाम हो गया। तो एक बात और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर भी आप चाहो तो एसिड का लोकेट नंबर लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, गलत नहीं होने वाला है, आप लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हो। 1.5 है, 15 नहीं है, 1.5 डायरेक्ट एसिड, ठीक है 1.5 लिख सकते हो, ठीक है इस प्रकार से ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा ये 1.5 आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा क्यों नहीं सर लिखे, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं लिखते हो। अच्छा देखो एक चीज बताओ कि कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं आपके लोकेट नंबर उसका लिख रहे हैं तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉज क्या है। कारण ये है कि अगर हम लोग लोकेट नंबर नहीं लिखते हैं तो आपको नाम से कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कंपाउंड के नाम से उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जब ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे तो जो नाम है उससे एक पार्टिकुलर कंपाउंड का ही स्ट्रक्चर बने, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे लोकेट नंबर लगाते हैं। तो मेरे को लगता है कि 1.5 लगाओ या नहीं लगाओ, आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, 1.5 लगाकर लिखो चाहे 1.5 नहीं लगाकर लिखो, दोनों में स्ट्रक्चर आपका एक ही आने जा रहा है, कोई दूसरा नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा अभी बनाने के लिए जस्ट 1-2 मिनट में, और फिर आप उसको ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा फिर हम लोग एक नई सीरीज उस पर काम करेंगे।
इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पर 3-4-5 क्वेश्चन हमने लिया है, 1-2-3-4-5 ठीक है, और ये आपको बनाना है। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इस 5 क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट करें और फिर आप जाकर के आगे देखें ठीक। देखो जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा बस एक ये मोटो रहता है कि हम क्लास में उसी क्वेश्चन को कराएं जिस क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को आपको मिले। टाइम पास नहीं करना है दोस्त अपने कि मेरे को आईपीएससी प्रिपरेशन करना है, एक फ्रेम आपको पढ़ा दिया उस फ्रेम पे आपको मैंने 50 क्वेश्चन दे दिया और आप 50 क्वेश्चन कर लिया, आप भी खुश और मैं भी खुश। तो ऐसा नहीं हिसाब किताब करना है, अपने को हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखना है। और इसी चीज को सिखाने के लिए जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं या करते हैं तो वो थोड़ा नया रहता है। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आप एमएस चौहान का एलिमेंट्री या एडवांस लेवल का जो किताब आता है आप उसको खरीदें और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसको जाकर बनाएं, बिल्कुल बनेगा ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, जैसे ये सवाल मेरा, अब क्या करें, जैसे इस सवाल में सबसे पहले काम की अपने को फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो बच्चे से सी डबल बॉन्ड OOH, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब नियम हम क्या पढ़ाएं आपको, नियम हम ये पढ़ाएं कि अगर आपको पैरेंट चेन चुनना है, क्योंकि सबसे पहला काम तुम्हारा होता है पैरेंट चेन का चुनाव, पैरेंट चेन का सिलेक्शन सबसे पहला काम होता है। तो अगर आपको पैरेंट चेन चुनना है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जरूर से जरूर शामिल कीजिए। तो प्रॉब्लम ये आ रहा होगा अगर आप काम कर रहे हैं इस पे, तो आप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को जब शामिल कर रहे होंगे किसी भी तरीके से, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन तो शामिल हो पा रहे होंगे लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन छूट जा रहा होगा। आप देखो जैसे कैसे, अगर मान लो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे जाएंगे तो वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन छूट जा रहा है। अगर इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को सिलेक्शन करेंगे ऐसे कहें ऐसे तो वो ये छूट जा रहा है, इसको इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो छूट जा रहा है, ठीक है साहब सबकी छूट जा रहा है। तो ठीक है इसमें थोड़ा सीखना है अपने को। अब देखो क्या है कि आईपीएससी जो सिस्टम है एक संस्था है और इस संस्था में आईपीएससी नोमेनक्लेचर को लेकर के आईपीएससी नेम को लेकर के अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। सबसे पहला संशोधन जो हुआ था आज से तकरीबन 40 साल पहले 1978 में हुआ था, फिर उसके 15 साल के बाद 1993 में हुआ था, फिर 5 साल के बाद 1998 में हुआ था 1998 में, और 1998 में एक बदलाव किया गया। इस वाले में बदलाव ये किया गया, उसके लिए एक नियम बनाया गया, नियम ये बनाया गया इफ सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल, मतलब ये कि चुन सको तो सबको चुन लो सेलेक्ट करो और नहीं तो अदरवाइज सबको छोड़ दो। ये तो वही हो गया जैसे ऐसे समझो कि एक रूम में 3 लोग हैं और 2 कुर्सी है, तो अगर हमको बैठाना है तो पार्शियलिटी तो कर नहीं सकते हैं। तो आज पहले जो हम लोग कर रहे थे अभी जैसे इन दोनों को अगर सेलेक्ट करेंगे ये छूट जा रहा है, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे छूट जा रहा है, और तीनों एक ही दर्जे के लोग हैं तो 2 कुर्सी है और 3 लोग हैं, तो ऑब्वियस है आप 3 लोगों को 2 कुर्सी पे तो बैठा नहीं सकते हैं। तो ऐसा करो कि सबको खड़ा करो, मतलब सबको छोड़ दो, मतलब कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसा पार्शियलिटी अगर किसी को बैठाएंगे 2 बैठेगा 1 खड़ा रहेगा तो ऐसे हिसाब में क्या हो जाएगा पार्शियलिटी हो जाएगा। तो अपने को पार्शियलिटी नहीं करना है, करना क्या कि तीनों को खड़े कर काम कराना है। तो अब करेंगे क्या, नियम बनाया गया इफ सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल, मतलब कि चुनना है तो सबको चुनो, नहीं तो तीनों को, नहीं तो सबको छोड़ दो, अदरवाइज लीव ऑल सबको छोड़ दो। तो चलो इसको भी छोड़ेंगे हम लोग, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी छोड़ेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कार्बन को छोड़ेंगे और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के भी कार्बन को छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा अब क्या करें, तीनों को छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो तीनों कार्बन को छोड़ने के बाद मेरे को लगता है कि यही पैरेंट चेन होगा, देखो ये हो गया पैरेंट चेन। अब नंबरिंग करना है तो इधर से करें 1-2-3, तो 1 पर फंक्शनल ग्रुप, 2 पर फंक्शनल ग्रुप, 3 पे, तो 1-2-3 इधर से 1-2-3 किसी भी साइड से आप कर सकते हैं 1-2-3 नंबरिंग कर ली। अब अपने को नेमिंग करना है तो चलो नेमिंग करते हैं। नेमिंग में ये जब आप पैरेंट चेन चुन लिए हैं तो
ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप तीनों छूट जा रहा है, तो क्या छूट जा रहा है, तो क्या वो चीज आपका सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर आपने को लिखना है नाम 2102 के आधार पे, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं इसमें, 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा नहीं ओपन चेन के लिए, वर्ड तीन कारकों के लिए प्रोपा और सब सिंगल मॉडल, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा एन प्रोपेन। अब तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 डिग्री सफिक्स लगाएंगे, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री सफिक्स लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो कुछ बच्चे का जवाब ये होगा कि सर तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ट्राई और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, तो बच्चे लगाएंगे यहां पे पेंटेन ट्राई ओइक एसिड। लेकिन मैं उन सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं वो ये कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ओइक एसिड क्यों लगा रहे हैं? जैसे इससे पहले आप तो सर ओइक एसिड लगा रहे थे, अब ओइक एसिड में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है इससे जो पहले आप ओइक एसिड लगा रहे थे वो तब लगा रहे थे जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में रख रहे थे, मतलब उसके कार्बन को हम लोग ले ले रहे थे पैरेंट चेन में, उसके बाद उसको ओइक एसिड बोल रहे थे। अब आपको नहीं लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम पैरेंट चेन में नहीं रखे हैं, ये पूरा पूरा छूट जा रहा है, ये पूरा पूरा छूट जा रहा है, तो इसके लिए एक अलग नाम का व्यवस्था हो, एक अलग नाम का है ना ये प्रावधान हो अलग नाम का, तो इसके लिए फिर एक अलग नाम का प्रावधान किया गया। मतलब ये मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं, जितने भी अगर उनके कार्बन किसी कारणवश पैरेंट चेन में शामिल नहीं होता है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेशल सफिक्स नेम का प्रावधान किया गया है, स्पेशल सफिक्स नेम का प्रावधान किया गया है, और ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बल्कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सारे फंक्शनल ग्रुप के केस में लोग करेंगे। जैसे अभी जो हम एक नया चीज पढ़े इफ सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल, ये किस में लगाएंगे? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड? बिल्कुल नहीं, ये हम उन सारे फंक्शनल ग्रुप में लगाएंगे जो कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइन, एसिड हलाइन, साइनाइन, इस्टर, इन सब में लगाएंगे हम लोग। सुनो देखते हैं जरा, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स नेम का क्या प्रावधान किया गया? हालांकि और भी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए मैं एक टेबल दिखाऊंगा, लेकिन इसके भी बारे में जानो, इसके लिए स्पेशल सफिक्स नेम का प्रावधान किया गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम का प्रावधान किया गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए प्रावधान किया गया, ऐसा ऐसा कितना है? तीन, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखते हैं जरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड गैप करके लिखेंगे। अच्छा ट्राई ये तो हटेगा नहीं, क्लियर है? पोजीशन क्या है? 1 2 3 लगाना पड़ेगा अपने को, 1 2 3 डैश डैश लगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम सही है, इस तरह से नाम हो गया। सर एक बार आप फिर से मेरे को थोड़ा सा जो है क्लियर बताइए कि कहना क्या चाहते हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जो भी चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आ रहा है, आप ये मत सोचो कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं उन सारे के लिए नियम वैलिड होगा। वो नियम क्या है ऐसे समझते हैं, अगर मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा और किसी कारण से अगर आप उनके कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाते, ऑब्वियसली जब दो से ज्यादा रहेगा तभी उसके कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उन सबको हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, और पेरेंट चेन के सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जब उसका नंबरिंग करेंगे और फिर जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में उसके लिए स्पेशल सफिक्स नेम का प्रावधान करेंगे। स्पेशल सफिक्स नेम वो कब लगाएंगे? जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। चलो खैर ये हो गया, चलो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन लिया। अब इसमें देखो जरा, इसमें इतनी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक ऊपर सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, तो अगर आप इन दोनों कार्बन को लोगे तो ये छूट जाएगा, इन दोनों को लोगे तो ये छूट जाएगा, इनको इसको लोगे तो ये छूट जाएगा, तो सबको छोड़ देते हैं, ये कार्बन को भी छोड़ दिए, ये कार्बन को भी छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए, अब पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो मेरे को लगता है दोस्तों ये होगा। गिनती किधर से करेंगे? इधर से करने पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम ये वाला जिससे जुड़ा हुआ उस कार्बन को कम से कम लोगे नंबर मिले, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है तो 21012 कोई तो आपका सब्सट्रेट है नहीं, 1 डिग्री तो होता नहीं है, 1 2 4 के लिए
देवता सब सिंगल बॉन्ड है एन वन डी सफिक्स टू डी सफिक्स क्या लगाएंगे दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड तीन के लिए क्या लगाएंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन लगाना पड़ेगा एक पर दो है तो वन कॉमा वन और दो पे एक है ऐसे लगाएंगे ब्यूटेन वन कॉमा वन टू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चलो इसके बाद इसमें आते हैं ये क्या करें सबसे पहले अच्छा इसमें सबसे पहला काम क्या करना है अपने को सबसे पहला काम क्या करो कि फंक्शनल ग्रुप को पहचानो ऑब्वियस कार्बोक्सिलिक एसिड है अब पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं सर पैरेंट चेन क्लोज चेन नहीं हो सकता है क्या नहीं क्योंकि इस केस में अगर हमको पैरेंट चेन चुनना है तो मैंने आपको साफ साफ कहा है कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन को आप पैरेंट चेन में शामिल करो कार्बन को उसके कार्बन को इसको जब पैरेंट चेन में शामिल करेंगे तो इसका कार्बन कहाँ है ओपन चेन में तो ऑब्वियस इसको पैरेंट चेन में अगर शामिल करेंगे तो ओपन चेन हमारा आएगा पैरेंट चेन ये हो गया हमारा पैरेंट चेन अब नंबरिंग तो नंबरिंग यहां से होगा वन टू थ्री और ये फोर अब इसका नाम लिखना अपने को तो जीरो वन टू के साथ देखो ये छूट जाएगा तो इसका नाम क्या होगा ये चार पे क्या साइक्लोहेक्साइड फोर साइक्लोहेक्साइड हेक्साइन फिर उसके बाद टू हो गया वन तो होगा नहीं वन डिग्री प्रीफिक्स ओपन चेन है वन टू चार कार्बन की ब्यूटा सब सिंगल बॉन्ड है ए और उसके बाद ओइक एसिड तो हम ये से ई हटाएंगे यहां से ओइक एसिड आप पोजीशन लिख भी सकते नहीं लिख सकते बात बराबर है ओइक एसिड इस प्रकार से हो जाएगा अच्छा अब इसमें आते हैं सर इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करें अब देखो इसमें भी कुछ सीखने को अपने देखिए जरा जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पैरेंट चेन का सबसे पहला काम क्या करते हैं फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन तो पैरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए इसकी कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पैरेंट चेन को चुनना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो ओपन चेन में तो एक कार्बन और बाद का जो कार्बन है वो साइक्लिक चेन में तो ऑब्वियस है ये तो होगा नहीं ओपन चेन का तो पाथ है नहीं तो एक ही कार्बन का क्या हो गया पैरेंट चेन एक कार्बन का पैरेंट चेन हो गया और इसी एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे एक पर ही जुड़ा हुआ है क्या साइक्लोहेक्साइन टू डी प्रीफिक्स उसके बाद टू वन जीरो वन टू के आधार लिख रहे हैं हो गया वन तो होगा नहीं ओपन चेन के लिए वन एक कार्बन के लिए क्या होता है मीथ सिंगल बॉन्ड ये है तो मीथेन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगता है क्योंकि सफिक्स ओइक एसिड तो ये हो गया ओइक एसिड तो सब कुछ नया क्या है ये तो हम लोग पहले भी जानते थे तो ये एक कार्बन का पैरेंट चेन ये छूट गया साइक्लोहेक्साइड अच्छा सर पोजीशन क्यों लिख रहे पोजीशन लिखो नहीं तो बात बराबर है एक साइक्लोहेक्साइड तो ऑब्वियसली ये यही जुड़ सकता है और तो जुड़ नहीं सकता टू साइक्लोहेक्साइड थोड़ी हो सकता है इसमें तो वन ही रहेगा अच्छा ठीक है मीथेन ओइक एसिड तो नया क्या है तो नया है ये जो अभी आप नाम लिखे हैं ये नाम 1998 से पहले लिखा जाता था जैसे कि मैंने अभी आपको बोला भी कि तीसरे संशोधन में कुछ बदलाव किया गया है एक बदलाव तो आप पहले देखेंगे इफ सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल एक बदलाव फिर हुआ और ये बदलाव कैसा है इसको जरा समझते हैं बनाया गया नियम कि अगर कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एसिटामाइड एसिटाइलाइड साइनाइड ये सब डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो साइकिल से जुड़ा हो किससे जुड़ा हो रिंग से तो वैसे कंडीशन में हम लोग रिंग को ही पेरेंट चेन मानेंगे पेरेंट चेन उसको मानेंगे उसके बाद नंबरिंग करेंगे और फिर नेमिंग करेंगे अब देखो जरा इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब जैसे ये पहले तो ठीक है ये नाम तो गलत नहीं है लेकिन अब ये जो नाम है वो कैसे लिखेंगे हम लोग जैसे देखो क्या है कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हो साइकिल से देखो साइकिल से जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में साइकिल को हम मानेंगे पैरेंट चेन साइकिल को अगर डायरेक्ट जुड़ा हो तो साइकिल को क्या मानेंगे पैरेंट चेन मानेंगे फिर नंबरिंग करेंगे नंबरिंग कहां से करें जहां से करने के कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन जुड़ा उसका नंबर कम से कम होगा नंबर ऑब्वियसली एक होगा ये दो तीन चार पांच छह अब इसका नेमिंग करेंगे तो अभी ऐसे सब्स्टिट्यूट तो है नहीं टू डी प्रीफिक्स होगा नहीं इसके लिए क्या लगाएंगे साइक्लो वन डिग्री सफिक्स छह
छह कार्बन के लिए हेक्सा सब सिंगल बॉन्ड है ए और टू डिग्री सफिक्स। अब जरा देखो टू डिग्री सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑब्वियस है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम शामिल नहीं कर पाए, तो ऑब्वियस क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। और आप वन भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो वन स्पेशल सफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा था। ये पहले यूज होता था, अब ये यूज होता है। तो कहां कहां पे हम लोग कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, है ना? एक तो आप समझ गए होंगे वहां पे जहां पे किसी कारण से सारे कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाते, तो वहां पे छोड़ देते हैं। और एक तो अभी नया चीज हम लोग पढ़े क्या, कि अगर कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, रिंग से, तो रिंग के केस में रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देंगे। तो मेरे को लगता है ठीक है, इसमें हम देखेंगे, नोट मेक करके मैं लिखाऊंगा इसके बाद। अच्छा फिर इसमें आते सर, ये एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन बड़े मजेदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो इसमें क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये बीआर, आपको पता है बीआर फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और ये ब्रोमीन जो आपका है फर्स्ट ग्रुप नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करता है। चलो ठीक है, तो क्या करें, तो ये आपका मेन फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, और ये देखो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ, रिंग से। तो अब ये से पेरेंट चेन कौन होगा हमारा, रिंग, तुरंत पढ़े नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप। फिर अगर वो छूट गया, अगर वो अपना हाथ खड़ा कर दिया, तो फिर किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी हाथ खड़ा कर दिया, फिर किसको देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट, फिर वो हाथ खड़ा कर दिया, तो फिर किसको देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सब पढ़ाया है पास। चलो ये वन तो यहाँ फिक्स हो गया, अब ये सवाल ये कि इधर जाए इधर जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते थे कि सर ये वन आपकी यहाँ पे, तो ये वन तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिल गया, अगर हम नीचे चलते नीचे, तो एक पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, एक पर फंक्शन ग्रुप भी मिल रहा है, चलो फंक्शन ग्रुप खुश है, ये भी खुश है, अब देखिए सब्सट्रेट भी खुश हो जाएगा, इधर से अगर करेंगे दो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नीचे चले जाते हैं, नीचे से नंबरिंग करेंगे, तो आप गलत नंबरिंग कर रहे हैं। क्यों? आप ये सोच रहे हैं कि सर नंबरिंग हम ऐसे करेंगे तो फंक्शन ग्रुप तो एक मिल रहा है, उसके बाद किसको खुश करना है, डबल बॉन्ड को, सर डबल बॉन्ड भी खुश हो गया कि उसको एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब एक दो तीन चार पांच और छह, पांच और छह, एक से छह, छह के बाद एक होता है, रिंग में छह के बाद एक आता है, तो छह और एक, इसका मतलब कि एक के बाद दो आता है, छह के बाद एक आता है। तो मेरा ये कहना है कि फंक्शन, सॉरी डबल बॉन्ड का एक्चुअल पोजिशन नंबर कितना हो जाएगा, वन नहीं होगा, सिक्स हो जाएगा। तो आप इसको जाने जाने में एक भी दे रहे बल्कि छह दे रहे हैं, तो गलत है, हम लोग ऊपर से नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, क्योंकि पहले इसको पुश करना है, उसको बाद में देखना है। चलो अब देखते हैं, अब लिखेंगे 21012, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 6 पे क्या है, ब्रोमो, ठीक है, इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, ओपन चेन साइकिल है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, साइक्लो, उसके बाद 6 कार्बन के लिए वन ग्रुप क्या लगाएंगे, हेक्सा, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड क्या लगाएंगे, इन, तो ए हटेगा, इन का पोजीशन कितना, 1, उसके बाद फिर 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाएंगे, और ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं किए हैं, तो इसका मतलब स्पेशल सफिक्स नेम का इस्तेमाल करेंगे, तो स्पेशल सफिक्स नेम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप वन भी लिख सकते नहीं लिख सकते बात बराबर है, इन कार्बोक्सिलिक और गैप देने के बाद एसिड, इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं जितनी बातें बोला मैं उसका नोट करके लिखाऊंगा। अभी मैंने जितनी भी बातें आपसे कहा था, जितना भी नियम मैंने आपको समझाया, वो सारे नियम्स को मैंने यहाँ पर लिखा है नोट पे करके, मैंने लिखा है कि अगर एक कार्बन और कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप इज नॉट टेकिंग इन पेरेंट चेन, अगर कार्बन को हम लोग नहीं ले पाते हैं पेरेंट चेन में, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को अगर नहीं ले पाते, एंड स्टिल इट इज यूज एज मेन फंक्शन ग्रुप, और अगर वो मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में ही उसका यूज हो रहा हो, तो उसके लिए हम स्पेशल सफिक्स नेम का यूज करते हैं। अब स्पेशल सफिक्स नेम क्या है, तो अब देखो कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो है टोटल 6 है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एसिटामाइन, एसिटाइलाइन, साइनाइन और एस्टर, ये टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड
का जो कार्बन है वो पैरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाया, तो उसके स्पेशल सफिक्स नेम का प्रावधान किया गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड याद रहेगा ये आसान है। अच्छा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कि अगर कार्बन अगर पैरेंट चेन में नहीं शामिल होता है तो उसके लिए कार्बोल्डिहाइड, देखो नाम मिलता जुलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो चलो ठीक है, एल्डिहाइड तो कार्बोल्डिहाइड, एल्डिहाइड की जगह क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड की कार्बोल्डिहाइड। एसिड अमाइन तो कार्बोक्सामाइन, क्योंकि कार्बन शामिल नहीं करें तो कार्बन से मिलता जुलता उसका नाम होगा कार्बोक्सामाइन। उसके बाद एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल कहते हैं, सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल और एक्स को हैलाइड, तो इसका नाम क्या रहेगा कार्बोनिल हैलाइड। उसके बाद साइनाइड, साइनाइड के लिए चूंकि कार्बन शामिल नहीं करेंगे तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन का नाम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइड, कार्बोनाइट्राइड अगर कार्बन शामिल करते तो उसके लिए नाम का प्रयोग करना था यार को नाइट्राइड, तो कार्बोनाइट्राइड बोलेंगे। अच्छा इस्टर, इस्टर लगाते थे ओ ए या ओ ए, टू डिग्री सफिक्स, लेकिन स्पेशल क्या लगाएंगे, चूंकि कार्बन शामिल नहीं होगा तो स्पेशल लगेगा, स्पेशल में कार्बन को लगाकर बोलेंगे, तो कार्बोक्सिलोएट या कार्बोक्सिलेट, लेट या ओएट, लेट या ओएट लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी तुरंत आपको याद होना चाहिए, काफी आसान भी है। टोटल 6 सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है कौन कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके लिए स्पेशल सफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए कार्बोल्डिहाइड, तीसरा एसिड अमाइन कार्बोक्सामाइन, चौथा एसिड हैलाइड तो कार्बोनिल हैलाइड, पांचवा साइनाइड तो साइनाइड के लिए क्या लगाएंगे कार्बोनाइट्राइड, छठा इस्टर, इस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलोएट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है ना, ठीक है। आप पहले इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रेशन लिटरेचर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रेशन लिटरेचर। सबसे पहला चीज फॉर्मूला क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड का, आपको याद होगा एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मूला, एसिड एनहाइड्राइड इसको कहेंगे एनहाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब होता है H2O वाटर, और एनहाइड्राइड एन लगता है तो नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट करता है, मतलब एनहाइड्राइड मतलब जिसमें पानी नहीं है। तो एसिड एनहाइड्राइड मतलब अगर एसिड को लेकर के अगर वाटर निकाल दिया जाए तो जो बनेगा वही आपका एसिड एनहाइड्राइड होगा। एसिड एनहाइड्राइड दो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकालने के बाद बनता है, जैसे कि मैंने पहले भी सिखाया हुआ, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ये OH, इधर कार्बन या हाइड्रोजन, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ OH, इधर कार्बन या हाइड्रोजन, और करना क्या है अपने को H2 निकालना है, H2 तो इसका OH इसका H, किसी का भी OH इसका H निकाल दिया यहाँ से, तो जैसे ही ये OH और H निकल गया, H2 निकल गया, एक कार्बन से फ्री वैलेंसी आया और ये ऑक्सीजन से एक फ्री वैलेंसी आएगा और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो हमारे पास क्या बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन या हाइड्रोजन, ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन या हाइड्रोजन मतलब ये आया, और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स का जो प्रावधान किया गया है वो क्या है, ओइक एसिड की जगह पे क्या लगाते हैं एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड आपको याद होगा, नहीं बुक में एक बार लिख दिया ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। सर एसिड एनहाइड्राइड किस कैटेगरी का फंक्शन ग्रुप है, ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, आपको याद होगा जो मैंने आपको टोटल फंक्शन ग्रुप को जो चार कैटेगरी में बांटा था उन चार कैटेगरी में हम किसी भी कैटेगरी में एसिड एनहाइड्राइड को नहीं रखते क्योंकि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। इसका IPC जो नोमेनक्लेचर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता है, तो इसलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं जरा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही हमने को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक एसिड एनहाइड्राइड लेकर आते हैं, जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन कार्बन
मान लो यूएस ठीक है कि आप लोगों को एसिड एनहाइड्राइड, छोटी सी बात है अगर आप याद रखोगे एसिड एनहाइड्राइड का नाम आराम से निकल जाएगा। क्या है थोड़ा समझते हैं, सबसे पहले देखो क्या करना है अपने को, अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड का आईपीसी नोटिफिकेशन लिखने को मिला एसिड एनहाइड्राइड, आप क्या करो, क्योंकि आपको पता है कि एसिड एनहाइड्राइड जो है वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकालने के बाद आपका एसिड एनहाइड्राइड बनता है। हम क्या करेंगे मेंटली कि जो आपको एसिड एनहाइड्राइड मिला है, आप पहले पता करो कि एसिड एनहाइड्राइड जो है किन दो एसिड से मिलकर के बना है, कौन से दो एसिड से मिलकर बना है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम मेंटली क्या करेंगे मन में ही कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जो लिंकेज है इसको हम लोग तोड़ेंगे, जिधर ऑक्सीजन के उधर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और दूसरी तरफ OH जोड़ेंगे, पानी है तो दो पार्ट होता है H और OH, जिधर ऑक्सीजन के उधर H जोड़े इस तरफ OH, तो आपको एसिड झलकेगा एसिड दिखने लगेगा, जो C डबल बॉन्ड O OH कार्बन कार्बन, देखो ये एसिड दिख रहा है और इधर जब H जोड़े तो C डबल बॉन्ड O OH कार्बन कार्बन है कि नहीं। तो ये काम आपको मेंटली करना है, करना क्या है कि जो एसिड एनहाइड्राइड मिला है उसको आप मेंटली कार्बन ऑक्सीजन के लिंकेज को तोड़ करके ब्रेक करके आप पहले ये पता करो कि वो जो एसिड एनहाइड्राइड है वो किन दो एसिड से मिलके बना है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब क्या करना है इसके बाद कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़िया से अगर कार्बोक्सिलिक सॉरी अगर एसिड एनहाइड्राइड दो सेम एसिड से मिलकर बनेगा तो आप क्या करो एक एसिड का नाम लिखो, एक को छोड़ दो और एसिड का जैसे नाम आप लिखते थे आईपीसी नोटिफिकेशन में आप उसका नाम लिखो, और एसिड के नाम में हम लोग ओइक एसिड लिखते थे तो ओइक एसिड के बदले आप ओइक एनहाइड्राइड लिखो। फिर से एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये पता करो कि पहले कि जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है वो किन दो एसिड से मिलकर बना है, अब यहां से दो केस, अगर दोनों एसिड सेम नेचर का हो, अगर जो दो एसिड से मिलकर बना हो और दोनों एसिड सेम नेचर का हो, दोनों एक ही तरह के एसिड हो, इथेनोइक एसिड हो, मिथेनोइक मिथेनोइक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो, है ना, ऐसा करके करो तो उस समय क्या करो कि एक एसिड का नाम लिखो, एक को छोड़ दो, एक एसिड का नाम लिखो और उसके नाम में जब आप ओइक एसिड लिखते हैं तो उसके जगह पे आप ओइक एसिड की जगह पे ओइक एनहाइड्राइड लगाओ, एक को छोड़ दो, एक को साइलेंट कर देते हैं लोग। और अगर दो डिफरेंट एसिड से मिलके बना है तो उस समय क्या करो दोनों एसिड का नाम लिखो और लास्ट में एसिड के बजाय एनहाइड्राइड लगाओ, बड़ा आसान है, देखते जाओ क्या करें। सबसे पहले अब देखो ये तीन कार्बन का एसिड है प्रोपेनोइक एसिड और ये भी देखो तीन कार्बन का एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, तो दोनों जो एसिड है वो सेम नेचर का है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप एक एसिड का नाम लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग प्रोपेनोइक एसिड, अब एसिड नहीं लिखेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, ये इसका नाम हो जाएगा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं अगर सेम है तो एक लिखेंगे एक को साइलेंट रखेंगे तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब कुछ बच्चे बहुत सारे उसके दिमाग में ऐसा सर दो प्रोपेनोइक है तो ऐसा क्यों नहीं लिखा गया प्रोपेन, अच्छा दो एसिड है तो प्रोपेन डाइओइक एसिड ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, दो बार रिपीट कर रहा था, हम डाइओइक एसिड लिख देते। अगर बच्चे अगर आप ऐसा लिखते तो जाने अनजाने में आप बहुत बड़ी गलती करते और ये गलती आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लास्ट क्वेश्चन में आपको जरूर समझाऊंगा कि क्या आप गलती कर पाते वहां पर। खैर आपको बस ध्यान रखना है नियम कि अगर दोनों सेम एसिड है तो एक एसिड का नाम लिखना है लास्ट में एसिड की वजह पर एनहाइड्राइड लगाएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं जरा, अगर मान लो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से हो, ये सी ये मान लो ऐसा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहचानो, C डबल बॉन्ड O बीच में O फिर C डबल बॉन्ड O एसिड एनहाइड्राइड। अब मेंटली क्या करेंगे हम लोग देखेंगे पता करेंगे किन दो एसिड से मिलकर बना है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर इसको दोनों जिधर गया H सॉरी O उधर H इधर OH, तो आपको साफ साफ देखना चाहिए ये इथेनोइक एसिड है और ये चार कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड है, अब ये से दोनों अलग एसिड है दोनों का नाम लिखेंगे लेकिन एसिड की वजह पर क्या लगाएंगे एनहाइड्राइड, तो क्या लिखें ये इथेनोइक है ये ब्यूटेनोइक है, पहले कौन लिखेंगे ब्यूटेनोइक लिखेंगे ब्यूटेनोइक, उसके बाद
इथेनोइक और लास्ट में एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड, ऐसे ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा सवाल, मान लो ये सवाल, ठीक है, अब हमको आईबीसी में कैसे लिखना है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट ग्रुप पहचानो, तो सी डबल बॉन्ड हो इधर को, फिर सी डबल बॉन्ड हो और ऑब्वियस दोनों तरफ कार्बन, तो ये है क्या एसिड एनहाइड्राइड। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप एसिड में बदल दो पहले उसको, और उस एसिड का नाम लिखो। देखो कैसे एसिड में बदलेंगे, कैसे, ये ओ इधर है, इधर एच, इधर आपका ओ एच, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिड, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये भी एसिड। और ये जो दोनों एसिड है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि जब आप इसको तोड़ रहे हैं दोनों एसिड एक ही कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में है कि नहीं। तो आपको करना क्या, तो आपको नियम बस यही बोल रहे हैं, बार बार आप एसिड का नाम लिखो लास्ट में एसिड की वजह पे एनहाइड्राइड लगाओ। तो अगर मान लो अगर ऐसा एसिड है जिसका हमको नाम लिखना है, अगर ऐसा एसिड है हमको नाम लिखना है, तो इसको तोड़ के मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं होता, ये मान लो कि यहाँ से एच जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो है वो एच जुड़ा हुआ, ठीक है, तो वो ये एसिड है ना, तो इसका हम नाम लिखेंगे लास्ट में एनहाइड्राइड लगाएंगे, ये तो करना है। अब लोग इसका नाम लिखना है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग को क्या मानेंगे पेरेंट चेन, ऐसा लिखा था पहले हम पढ़ रहे हैं। अब नंबरिंग स्टार्ट करना है, नंबरिंग कहां से करें, वहां से करेंगे जहां से करने पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा उसको कम से कम लोगे नंबर में। मेरे को लगता है सर एक दो, या यहां से एक और दो, तो ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है आपका एक दो एक दो एक दो एक दो, ये दोनों अपना हाथ खड़ा कर दे रहा है, मतलब ये कहना चाहे आप यहां से नंबरिंग ऐसे करो चाहे यहां से नंबरिंग ऐसे करो, दोनों परिस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसको कम से कम लोगे नंबर मिल रहा है। तो अब फैसला किस पे जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड में, मतलब इसको मिलना चाहिए कम से कम, इसको कम से कम मिलने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो लास्ट में ये बंद होगा, इसको ज्यादा मिल जाएगा, तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ये वन ये टू ये थ्री, ऐसे करेंगे तो दो इसको लोगे नंबर मिल रहा है, चार पांच छह, अगर ऐसे करते हैं ऐसे करके इसको छह मिलता है। अब देखो लिखते जरा 21012 के आधार पर लिखते इसका नाम, टू प्रीफिक्स क्या है इथाइल, कितने पे छह पे, तो सिक्स इथाइल वन डिग्री, ठीक है, साइक्लो साइकिल है वन रूट छह के लिए, हेक्सा उसके बाद वन डिग्री सफिक्स, एक डबल बॉन्ड है, कितने पे है दो पे है, तो टू ए हटाएंगे यहां पे, टू ईन उसके बाद टू डिग्री सफिक्स, टू डिग्री सफिक्स क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिखेंगे एक और दो पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वन कॉमा टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई का ई हटेगा नहीं डी आ रहा है, तो ये 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, एसिड नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे चूंकि ये एनहाइड्राइड है तो एसिड की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा ओइक एनहाइड्राइड। मैंने कहा था आपको कि एसिड एनहाइड्राइड का जो नाम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसका नाम लिखेंगे, क्लियर है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं, आप करेंगे पर इसको आप नोट करें, एसिड एनहाइड्राइड से मैंने टोटल पांच सवाल लिया है, तीन दो पांच क्वेश्चन, तो आप एक बार पहले क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज कर लें और खुद से पहले बनाए और उसके बाद फिर आप लगा दोगे, ठीक है, देखते सर जैसे ये सवाल मिला, ठीक है, सबसे पहले तो आप एसिड एनहाइड्राइड का पहचानो है या नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ऑब्वियसली एसिड एनहाइड्राइड है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप पहले पता करो कि जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है वो दो सेम एसिड से मिलकर बना है या डिफरेंट एसिड से मिलकर बना है। तो जैसे आप इसको मेंटली करोगे, ये ऑक्सीजन इधर गया उधर एच इधर ओ एच, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसे
ऐसे सोचते सर ये और ये अलग अलग स्किल है, नहीं अलग अलग स्किल, कैसे जब इसमें आप पेरेंटिंग का सिलेक्शन करोगे आप सीधे जाओगे ऐसे, और जब इसमें आप पेरेंटिंग का सिलेक्शन करोगे तो अभी सब नीचे आएंगे इस तरह से, इसका नाम आप क्या लिखोगे, एक दो तीन, तीन इथाइल और एक दो तीन चार ब्यूटेन, थ्री ई ओइक एसिड, इसका कोई नाम होगा, एक दो तीन, तीन इथाइल, थ्री इथाइल, चार ब्यूटेन, ब्यूट सॉरी थ्री ई ओइक एसिड, मेरे ख्याल में दोनों सेम है। आपको लिखने के तरीके से आपको एग्जामिनर जो है मिसगाइड कर रहा है, और आपको मिसगाइड होना नहीं, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, दो दो साफ साफ दिख रहा है, एक दो तीन चार, चार कार्बन का चेन, इसमें देखो चार कार्बन का चेन, एक डबल बॉन्ड लास्ट में, डबल बॉन्ड लास्ट में, इथाइल छूट रहा है, इथाइल छूट रहा है, दोनों सेम है सेम, तो एक का नाम लिखेंगे, एक को साइलेंट करेंगे और एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड, चलो लिखते जरा, एक दो तीन चार, नंबरिंग कर लिए, 2102 के आधार पे तीन पर क्या है इथाइल, तो पहले लिख देते थ्री इथाइल, उसके बाद वर्टिकली तो होगा नहीं, 124 के लिए ब्यूटा, एक डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे ईन, तो ए हटेगा, ई कंपोजिशन कितना है थ्री, तो तीन पर लगा देंगे ई, उसके बाद टू डिग्री सफिक्स, कार्बन शामिल है ओइक एसिड लगाएंगे, तो ओइक लगाएंगे ई हटेगा, चलो ई ओइक, और एसिड की वजह क्या लगा देंगे आपको एनहाइड्राइड, सो इजी, काफी आसान है ये सब चीजें, बस एक दो बात बस ध्यान रखना है इसका, है ना, चलो इसके बाद इसमें आते हैं, अब देखो ये एसिड एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो फिर से इसको देखो पार्शियली इसको तोड़ रहे हैं, ये एच ये OH, अब ये और ये दो अलग अलग एसिड है, इसमें CL इसमें BR है ऑब्वियस है, अब दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये आपका इसमें होगा पेरेंट चेन, ये डबल यहां से होता, इसका नाम क्या होता 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होता क्या, ये आपका पेरेंट चेन 1 2 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड, तो पहले इसको लिख देते हैं 2 ब्रोमो, पहले यही आ रहा है अल्फाबेटिकली, इथेनोइक एसिड नहीं लगाएंगे, अब इसका नाम कितना है, इसका नाम कितना है, अच्छा ब्रैकेट में करके लिखेंगे इसको, ये ब्रैकेट की इस पार्ट का हो गया ना, अब इसका नाम कितना है 2 पे क्लोरो और टोटल 3 कार्बन प्रोपेनोइक, ब्रैकेट बंद, दूसरा वाला पार्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग एनहाइड्राइड, तो ये हो गया आपका नाम, अच्छा ब्रैकेट में लिखने से ये पता चलता है ना कि ये पूरा पार्ट एसिड एनहाइड्राइड में एक एसिड का है और ये वाला पूरा पार्ट एसिड एनहाइड्राइड में दूसरे एसिड का है, इसी पता चलता है, लेकिन अगर आप उसको मिलाकर लिखोगे तो कंपाउंड का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कंपाउंड के नाम से उसके स्ट्रक्चर को बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, अच्छा अब इसमें आते हैं, चलो देखो जरा इसमें देखते हैं क्या दोनों सेम एसिड है, नहीं, ये H और ये OH, तो ये जो एसिड है 6 मेंबर के साइकिल में ये जुड़ा हुआ है, ये भी एसिड है जो 6 मेंबर के साइकिल में ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ लगा हुआ डबल बॉन्ड, इसमें दूर में लगा हुआ, अभी से अलग अलग है, तो दोनों एसिड का नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग एनहाइड्राइड लगाएंगे, चलो नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा, ये पेरेंट चेन होगा, क्यों पेरेंट चेन, क्योंकि फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है कार्बन पेरेंट चेन प्रिमिटिव फंक्शन, तो ये नंबरिंग एक इधर दो लिखेंगे 3 4 5 6 और ये डायरेक्टली से जुड़ा होगा, इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, ये पेरेंट चेन नंबरिंग यहां से एक इधर 2 3 4 मिलेगा 2 3 इसका भी इधर जाएंगे डबल बॉन्ड को भी क्रॉस कर लेंगे 4 5 6 सही है, इसका नाम आप क्या लिखते हैं, इसका लिखते हैं साइक्लोहेक्स 1 ई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या लिखते हैं साइक्लोहेक्स 3 ई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इसका नाम लिखते हैं साइक्लो हेक्स 1 इन कार्बोक्सिलिक, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में लिखते हैं साइक्लो हेक्स 3 इन कार्बोक्सिलिक, और लास्ट में क्या लगा देंगे एसिड, तो इसी एक का नाम लिखेंगे हम लोग
इसका नाम लिख देते हैं हम, एक को साइलेंट रखते हैं तो नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो होगा ना तो ये होगा आपका साइक्लो पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन छूट रहा है तो कार्बोक्सिलिक, ये तो साइलेंट रख दी, एसिड के बजाय एनहाइड्राइड। काफी कई बार हम बोल रहे हैं कि काफी आसान है, आप आराम से ले सकते हो ऐसे करना पड़ेगा। चलो इसके बाद देखते हैं, ऐसे ये सवाल अच्छा है, अब देखो चल अच्छे से इसमें हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, ये ब्रेक की यहाँ से ये एच और इधर ओ एच, थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूँ, इस प्रकार से मिल रहा है डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये डबल बॉन्ड ओ ओ एच, देखो ये इस प्रकार से ये कार्बन ये कार्बन, अलग अलग एसिड तो है नहीं, एक ही कार्बन एक ही कंपाउंड में दो एसिड, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये 1 2 3 4 आपको याद होगा, चार के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटा सब सिंगल बॉन्ड एन एन ला करके और एक कॉमा चार पे क्या डाई ओइक एसिड की वजह पे क्या लिखेंगे एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड का तत्व नहीं लिखते एसिड डाइहाइड्राइड। अच्छा अब आपका वो जो पहला क्वेश्चन था कि सर अगर दो सेम एसिड है तो क्यों नहीं हम लोग डाई ट्राई लगाए, अब एक चीज देखो जरा, अगर तुम लिखते ब्यूटेन, हालांकि इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1-4 नहीं लिखो तब भी काम चलेगा, आप लिखते ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड और उसको भी वहां पे अगर मान लो कि चार कार्बन का अगर होता तो एक को साइलेंट करते वहां पे अगर आपके अकॉर्डिंग सर साइलेंट नहीं करना है हमको दोनों को एक साथ देखना है डाई लिखेंगे तो आप वहां पे लिखते ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, तो वहां पे और यहां पे ये जो मैंने कंपाउंड लिया है अगर उस कंपाउंड का भी अगर आप यही नाम लिखते और इस कंपाउंड का भी यही नाम लिखते तो आपको पता नहीं चल रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं दोनों एनहाइड्राइड अलग अलग है लेकिन नाम सेम है। तो मैं कई बार बोल रहा कि नाम जो है ना वो आप किस तरह से लिखिए कि आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाने में दुविधा नहीं हो, सहूलियत हो आपको, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नाम से कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना। तो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड ये है आपका, लेकिन वो वाला तुम्हारा क्या हो जाता है, जो चार ऐसे लेते हैं हम लोग चार कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड ओ, ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये इस प्रकार से और इसका भी अगर आप लिखते चार दो चार चार कार्बन की ब्यूटेन, फिर ये चार कार्बन ब्यूटेन ओइक एसिड, ये ब्यूटेन ओइक ब्यूटेन डाइओइक एसिड, तो ये इसका भी ब्यूटेन डाइओइक एसिड होता और इसके और इसका भी ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप है मिक्सअप हो जाता गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए उसमें ध्यान रखेंगे अगर सेम एसिड रहेगा तो हम लोग एक को साइलेंट करेंगे एक का नाम लिखेंगे, है ना, इस चीज को ध्यान रखें, और दोनों का डिफरेंट एसिड है तो दोनों का नाम लिखेंगे लास्ट में एनहाइड्राइड लगाएंगे, क्लियर है। तो आज एसिड एनहाइड्राइड का खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।